सिनेपोस्ट में आपके साथ में मैं हूँ अनामिका। देखिए, कोरोना का समय चल रहा है, काफी ज्यादा खतरनाक समय है। ऐसे में बिहार में कुछ लोग आपदा के समय असुर बन गए। जी हाँ, मॉन्स्टर बन गए। बड़ी बात यह है कि इसमें धरती के भगवान कहे जाने वाले, जिसको हम सब जानते हैं कि धरती का भगवान डॉक्टर होता है, वो भी शामिल है। ताजा मामला जो है वो बिहार के गोपालगंज से है। कोरोना संक्रमित मरीज को 150 रुपए प्रति मिनट ऑक्सीजन देने की मांग के मामले में प्रशासन ने एक ग्रामीण डॉक्टर सह हॉस्पिटल संचालक को हिरासत में लिया है। इंटरनेट मीडिया पर ऑडियो टेप वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। हालांकि हिरासत में लिए गए ग्रामीण चिकित्सक के अस्पताल से ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला, उस पर बिना डिग्री हॉस्पिटल संचालित करने का आरोप भी है। ये जो डॉक्टर है, जी हाँ, ये कुछ अलग ही मांग कर रहा था मरीज से। रगवा गांव निवासी एक मरीज को भोरे के खजराहा नगर के समीप स्थित मोतेश्वरी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। हालत बिगड़ने पर मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत थी। इस बीच हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर दिनेश कुमार और मरीज के स्वजन के बीच बातचीत का जो ऑडियो क्लिप है वो इंटरनेट मीडिया पर किसी ने वायरल कर दिया। इसमें डॉक्टर दिनेश कुमार मरीज को 1 घंटे ऑक्सीजन लगाने के बदले में 9,000 रुपए मांग रहे थे। 150 रुपए प्रति मिनट ऑक्सीजन देने का चार्ज बताया गया। और इसको लेकर के मरीज के जो फैमिली मेंबर थे और डॉक्टर के बीच कहासुनी भी है हुई, जिसके बाद से दोनों के बीच बातचीत का ऑडियो क्लिप किसी ने वायरल कर दिया। कल की सुबह डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भोरे के बीडीओ संजय कुमार राय को तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है। बीडीओ संजय कुमार राय, सीओ जितेंद्र कुमार सिंह और थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह ने हॉस्पिटल में छापेमारी कर उसे हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद चिकित्सक की कोविड जांच कराई गई। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद थाना लाया गया। बीडीओ संजय कुमार राय ने बताया कि उनसे डिग्री दिखाने को भी कहा गया है। तो फिलहाल इस पर इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।